दोस्तों आज एक निर्णय आया है, मैं समझता हूँ निराशाजनक जरूर है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, हम इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा, और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है, तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतजार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने भी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पर देखा। जैसा कि आपको याद है ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है। मैं निर्णय में आने से पहले चार चीजें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर एक, विनम्रता से मैं कहूंगा कि ये जो कानूनी ज्यूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है, समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। हमने ये सीधा प्रश्न उस प्रेस वार्ता में 3 बार आपके समक्ष रखा और दोनों कोर्ट में, उच्च न्यायालय में और निचले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक है, शिकायत करता है, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने, न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहां से द्वेष आता है, और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उसमें देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं उसमें कहां से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा जो मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचक करता है, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी, तीनों प्रश्न ये बिना जवाब दिए। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में, तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहरा केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है, उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं,
और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष को उल्टा याचक करता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में, यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है पैरा 63 में वीर सावरकर के केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई पीडी नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया, कटिंग देखे अखबार की कटिंग, आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का, एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप लेते कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है, ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है, और सबसे बात जैसा मैंने कहा मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है, उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट, मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो जनता का कोर्ट, और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर और लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और वो आत्मसात किया जा रहा है। हमने ये भी रखा था आपके समक्ष पहले भी और कोर्ट में भी कि किस प्रकार से कानूनी कसरतें और व्यायाम किया गया था, लीगल जिम्नास्टिक्स, कि जो याचककर्ता शिकायत करता था उसने अपने ही ओरिजिनल शिकायत को स्थगित किया, रोकथाम की, खुद गया उसके विरुद्ध ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, उसको रुकवा दिया, अचानक शायद कोई शुभ अवसर देखकर इस साल पहले कुछ महीनों पहले याचककर्ता ने अपने ऊपर जो स्टे लिया था उसी स्टे को खारिज करवा के जल्दबाजी में 1.5 महीने 1.5-2 महीने में ये सुनवाई करके ये निर्णय लिया। तो मैं समझता हूं इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक, और जो मैंने आपके समक्ष 23 मार्च को, 24 मार्च को, उसके बाद 20 अप्रैल को भी रखा था, कुछ हद तक मैं समझता हूं कि मेरी भविष्यवाणियां जो तब लिखित रूप से आपके सामने रखी थी वो सही सिद्ध हो रही हैं।
उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र, और जैसा मैंने कहा गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे। वो एक सत्य के राह के मिलर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूं कि इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको बुलाने छुपाने डाइग्रेस करने के प्रयत्न बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी, अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे या कुछ करने आएंगे। दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, जो 67 दिन बाद मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा 43 और एक दो और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है, और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी दिया जाए वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णय न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूंगा, वो कुछ नहीं बताया आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पिट्यूड नहीं मान सकते और मानते हैं। अगर ये चीजें हो सकती है मॉरल टर्पिट्यूड तो मैं नहीं समझता, पर उसके पहले वाले पैरा 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया। ये क्लियरली ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। तीसरा पहलू है कि बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है। जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है, अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी याचिका एक शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है ये निर्णय जो आज आया है। जैसा मैंने कहा पैरा 63 में सावरकर का जिक्र है, एक ऐसी कंप्लेंट जो 1 महीने बाद इस आज वाली कंप्लेंट के फाइल हुआ और जिसकी बहस हुई नहीं, अंत में आखिरी 2 मई को एक न्यूज़पेपर कटिंग दी गई। ये कानून की बहस का परंपरा नहीं होती, इसको प्लीड करना पड़ता है, लिखित रूप से अंदर लाना पड़ता है पूरे समावेश। तो ये सब जो है, और इसके अलावा मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं कहना चाहता, कई और प्रश्न है। पैरा 56 है जिसमें कहा गया है कि 499 यानी मानहानि एक बहुत ही जघन्य अपराध है, देश के विरुद्ध, समाज के कई बड़े बड़े अंग हैं जिनके सार्वजनिक कैरेक्टर को वो आघात पहुंचाता है,
मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 पे जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया माननीय जज ने। विधायिका तो निर्णित करती है कितना जघन्य अपराध है, इतने जघन्य अपराध के लिए 2 वर्ष का रखती है मैक्सिमम सेंटेंस विधायिका। ये सब चीजें और अन्य चीजें हम रखेंगे समक्ष, बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट दिस इज ए डिसअपॉइंटमेंट।